बरेली थाना भोजीपुरा के गांव प्रहलादपुर निवासी विनोद कुमार के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर थाना भोजीपुरा प्रभारी की शिकायत की। विनोद कुमार ने बताया, गांव प्रहलादपुर में एक दर्जन के लगभग लोगों पर 107/116/151 लगा दी। इससे नाराज होकर गांव के लोगों ने आज उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत की। शिकायत के दौरान विनोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह, सिया राम पुत्र हेमराज, सोहन लाल पुत्र छेदालाल, मुन्ना लाल पुत्र बालक राम, बुद्ध सेन पुत्र नुक्ता प्रसाद, श्यामलाल पुत्र पूरन लाल आदि मौजूद रहे। जी विनोद कुमार, जी मेरा मामला यह, किसान एकता संघ ग्राम ब्लॉक अध्यक्ष भोजीपुरा, मतलब ब्लॉक अध्यक्ष विकासखंड भोजीपुरा, और मेरे गांव में ग्राम प्रहलादपुर में प्रधान जो है, वर्तमान जो प्रधान है सौरभ खां, वो विरोधी है, और विपक्षी दूसरा प्रधान जो पूर्व प्रधान है श्यामलाल प्रधान, उषा देवी पत्नी, उन्होंने जो है 116 फर्जी बनवाई है गांव में। जी गांव में हिंदू मुस्लिम की विडंबना से 15 तो हिंदू हैं और करीब ये पता नहीं मुस्लिम लोगों पर कितने हैं। कितने लोगों पर 116? शायद मेरे अंदाज 85 लोगों पर है। किसने लगाई है? जी ये प्रधान, ग्राम प्रधान के सहयोग से हेड कांस्टेबल इखलाक अहमद, और उसने मेरे गांव के दो एडवोकेट हैं, एक मतलब कातिब है, उसका नाम है प्रेमपाल आज़ाद, और एडवोकेट का नाम है प्रमोद कुमार यादव। जी इन लोगों ने, इनके सहयोग से हम लोगों के ऊपर 116 का मुकदमा प्रमोद कुमार की बैठक में बैठ कर किया गया है। जी पूर्व प्रधान श्यामलाल, बताते रहो, पूर्व प्रधान श्यामलाल, बाबा बुद्धसेन BDC, विनोद कुमार ब्लॉक अध्यक्ष किसान एकता संघ, और सोहन लाल छेदालाल, बालक राम मुन्ना लाल, और सिया राम हेमराज, और मतलब बाकी और करीब 15-20 लोग हैं, कुछ का नाम मुझे पूर्ण रूप से बचे हुए लोग हैं। हाँ सब पे 116 थाना भोजीपुरा। और जी मेरा कहना ये, जो इखलाक अहमद है ये पहले भी एक दो केसों में वंचित रह चुके हैं, मुझे मेरे थाने से इखलाक अहमद को हटाना है, बल्कि ये कुछ कृत्य ऐसे हैं इनके कि ये मैं कुछ कह नहीं सकता, जो इखलाक अहमद हैं। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। फरुखाबाद के शमशाबाद विकास खंड में सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अवधेश पांडे के नेतृत्व में सदस्यता अभियान में 500 कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण कराई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम प्रकाश पांडे विश्वनाथ पांडे द्वारा की गई। सपा की सदस्यता ग्रहण में सपा जिला अध्यक्ष नदीम अहमद, फारूकी चंद्रपाल सिंह यादव पूर्व नगर अध्यक्ष अवधेश पांडे, साजे मियाँ, हिमांशु पांडे, लकी पांडे, नवनीत रस्तोगी सहित तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। का अभियान है और इस अभियान के चलते जो भी एक बुक काटने का काम करेगा, 50 सदस्य बनाने का काम करेगा, उसको सक्रिय सदस्यता की लिस्ट में जाना जाएगा। और अभी 28 और 29 को पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रांतीय अधिवेशन होगा, यही सदस्य डेलीगेशन के रूप में वहां पहुंचने का काम करेंगे। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर।
बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। अगर आपको पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा पुलिस भ्रष्ट और संवेदनशील होती है। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज की पुलिस लगातार इंसानियत और मानव सेवा के लिए आम जनता में अपनी पहचान बना रही है। ताजा मामला जिले के थाना ब्रजमनगंज का है, जहां पर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और उनकी टीम ने इंसानियत और मानव सेवा का जीता जागता मिसाल पेश किया है, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। थाना क्षेत्र में खंडवा मध्य प्रदेश से भटक कर आई एक 25 वर्षीय मंदबुद्धि महिला को गांव वाले बच्चा चोर समझकर पिटाई करने जा रहे थे। तभी ब्रजमनगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ से ना उसकी जान बचाई बल्कि मध्य प्रदेश से उसके परिजन को बुलाकर युवती को MP पुलिस के हवाले किया। इसके साथ ही साथ बस्ती जिले भटक कर विचित्र युवक को उसके घर पहुंचाकर पुलिस ने एक बार फिर इंसानियत का परिचय दिया। तो आम जनता में पुलिस की छवि भ्रष्ट और संवेदनशील के रूप में जानी जाती है। वहीं पर ब्रजमनगंज थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और उनकी टीम ने एक विचित्र युवती को, जहां गांव वालों ने बच्चा चोर समझकर मारने पीटने पर आपदा हो रहे थे, उसे बचाकर थाने लाकर उसके घर का पता लगाकर उसके परिजनों को सौंपा, जिसकी गुमशुदगी भी मध्य प्रदेश के स्थानीय थाने पर दर्ज थी। वहीं पर बस्ती के एक भटक कर आए हुए युवक को भी उसके परिजनों तक पहुंचाया, जिसकी चर्चा क्षेत्र में हो रही है। शिव श्रीवास्तव के साथ महमूद आलम, डीबी भारती न्यूज, महाराजगंज। जानकारी चाहते हैं, आप भी सुने होंगे विगत कुछ दिनों से लोगों के मन में भ्रम सा था कि बच्चे चोर घूम रहे हैं क्षेत्र में, बच्चों की चोरी कर रहे हैं। इसी क्रम में एक महिला को बनगड़िया साइड में लोगों ने घेर रखा था और पुलिस को सूचना दिया कि ये बच्चा चोर है। पुलिस पहुंच के उसको सकुशल थाने पर लाई, विस्तृत जानकारी की गई तो वो बहुत कुछ बता नहीं पा रही थी, अपने गांव का नाम और थाना का नाम बता रही थी। उसके थाने से संपर्क किया गया, पता चला कि वहाँ पे उसकी गुमशुदगी भी दर्ज है। मध्य प्रदेश के थाना पंधाना थाना है खंडवा जिले में, वहाँ थाने से कांटेक्ट किया गया। फिर वहाँ उसके परिजन और थाना के एक आरक्षी आकर उसको सकुशल अपने साथ ले गए। लोग अपने परिजन को देखकर बड़ी परिजन को पाकर बहुत प्रसन्न भी की। अच्छा सर, एक युवक भी है बस्ती जिले का, एक युवक को भी सोनाबंदी साइड में जो है उसको बच्चा चोर लोग समझ रहे थे, जबकि वो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ था। बबलू कुमार साहू इसका नाम था, थाना परशुरामपुर बस्ती का रहने वाला था, वो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसके माँ बाप मर चुके थे, सौतेली माँ थी, उसका किसी तरह से नंबर उपलब्ध कराया उसने, सौतेली माँ से कांटेक्ट किया गया तो आने में असमर्थता जाहिर थी। उसको भी थाने के स्टाफ के माध्यम से उसके घर सकुशल पहुँचाया गया। ठीक, आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। फरुखाबाद के अमृतसर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उपजिलाधिकारी पदम सिंह,
तहसीलदार, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं CDPO सहित अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कुल 74 शिकायतें आईं, जिसमें कुल 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। ज्यादातर शिकायतें भूमि संबंधी आईं, जिसमें उपजिलाधिकारी पदम सिंह ने बताया कि सभी शिकायतों का निस्तारण 8 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी निस्तारण कर रिपोर्ट भेजे, नहीं तो होगी कार्यवाही। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता: रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में आने वाले ग्राम संडावता में आज नवीनकरण टप्पा का उद्घाटन उत्सव में आज शनिवार नायब तहसीलदार मोहित सिंघनम, उनकी टीम के नेतृत्व में सुंदरकांड का पाठ करवाकर भोजन प्रसादी वितरण की गई, जिसमें टप्पा के सभी हलके के गांव के सभी लोग उपस्थित रहे। 2020-21 से चल रहे थे टप्पे का कार्य पूरा किया, उसके बाद में विधि विधान से टप्पा का उद्घाटन किया, जिसमें सभी सारंगपुर तहसील के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता: माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। सहारनपुर घंटाघर पर कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें, आज जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा एवं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नितिन शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में सभी पदाधिकारी गढ़ एवं कार्यकर्ता गढ़ घंटाघर हनुमान मंदिर के निकट एकत्रित हुए, जहां पर सभी कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया और पकौड़े तल कर बेचे गए। इस दौरान सभी कांग्रेसी मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और वो उसको रोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने इस 7 साल में रोजगार को खत्म करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जब सरकार आएगी तो हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की तो बहुत दूर की बात है। 8 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुका है और आप देख लिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में खड़ा किया था, आज उसको बेचा जा रहा है। धीरे धीरे रोजगार को खत्म किया जा रहा है और जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनको धीरे धीरे बेचा जा रहा है। तो ये देश इतना बेरोजगार हो चुका है, आज कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर हमारे महानगर अध्यक्ष, सभी हमारे फ्रंटल संघर्ष सेवा दल के अध्यक्ष, सभी कांग्रेस जन आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं और पकौड़े तलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया पकौड़े तल लो उसके भी रोजगार मिल जाएगा। जिन लोगों ने इंजीनियर की डिग्री ली है, जिन लोगों ने डॉक्टर की डिग्री ली है, क्या वो पकौड़े तलेंगे? अगर आप उनको रोजगार नहीं देंगे, आप इंजीनियर को रोजगार नहीं देंगे, तो वो पकौड़े तल कर अपना पेट भरेगा। जिन लोगों ने पैसे लगाकर, जिनके माँ बाप ने उन्हें डिग्रियां दिलाई है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़े तलकर हाथ भी नहीं बनी है। तो इस देश को उन्होंने बेरोजगारी की चरम सीमा पर ला दिया है और महंगाई जो कि चरम सीमा पर है, जो कहते थे कि 70 साल में देश ने लूटने का काम किया, 70 साल में भी गैस सिलेंडर 400 रुपए था। प्रधानमंत्री शर्म करो। 70 साल में पेट्रोल डीजल की कीमत 55 और 60 रुपए थी, आज 100 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत है और गैस का सिलेंडर लगभग 1100 रुपए हो गया है। अगर इनके हाथ में और दिनों के देश रहा तो ये देश को बेचकर खा जाएंगे और यहाँ लोग किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है और प्रधानमंत्री जी रोजगार दिवस के रूप में अपना
जन्मदिन मनाने का काम करते हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है। आज के कांग्रेस जन पकौड़ा चलकर उनका बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का काम कर। मैं नितिन शर्मा, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहारनपुर। कल हमने एक प्रेस वार्ता रखी थी जिसमें आप सब लोग उपस्थित थे और वो प्रेस वार्ता आज के प्रोग्राम को लेकर थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, उस जन्मदिवस को हम बेरोजगार दिवस के रूप में पूरी यूथ कांग्रेस सबके साथ मिलकर पूरे देश भर में मनाने का काम कर रही है। बलरामपुर सेमरी खैरहनिया रोड के गंजड़ी समय माता मंदिर पुल निर्माण की मांग कई वर्षों से क्षेत्रीय लोग कर रहे थे। बारिश के मौसम में करीब 4 माह के लिए इस डीप पर शासन प्रशासन को नाव लगाना पड़ता था। क्षेत्र के लोगों को करीब 2 दशक से इस पुल निर्माण के लिए संघर्ष करना पड़ा। वर्तमान समय में भाजपा सरकार ने क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने राज्य योजना सामान्य अंतर्गत 165.98 लाख की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति दे दी है। तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने 13 अक्टूबर 2021 को भूमि पूजन कर शिलान्यास किया था। पूर्व निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा देर से शुरुआत किया जिसका खामियाजा बाढ़ के पानी से क्षेत्रीय ग्रामीण भुगत रहे हैं। यदि जल्द पुल बनकर तैयार नहीं हुआ तो हम क्षेत्रीय लोक आंदोलन को बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदीप कुमार गुप्ता, ये महाराजन तराई, ये जो अपना सेमरी से गंजड़ी मार्ग है, वो समय माता मंदिर के पास से जो पुल बन रहा है वो 1 वर्षों से धीमी कार्य होने के कारण 10 फीट लगभग पानी जमा हो गया है। कम से कम लाखों आदमी को आने जाने में तकलीफ हो रहा है। कितना फीट पानी जमा है? 10 फीट। कौन सा मार्ग है ये? अपना सेमरी समय माता मंदिर के पास। बलरामपुर जिले से महाराजगंज तराई और हमारे समरी मार्ग खरानिया के रोड पे समय माता मंदिर के पास कम से कम 10 फुट पानी जमा हो गया है और हमारे ग्रामवासियों को आने जाने में काफी दुर्घटना और तकलीफ हो रहा है। और यहाँ पुल बनाने के नाम पे काम नहीं हो रहा है और पुल बनाने के नाम पे एक अपना ही टाइम पास कर रहे हैं और हमारे ग्रामवासियों को आने जाने में इतना तकलीफ। वह अभी कोई औरत गर्भवती अगर हो जाए तो उसे बलरामपुर ले जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। बरेली मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कहा कि उर्स रजवी में इस साल बड़ी तादाद में पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। हर साल उर्स के पोस्टरों में मजार पर औरतों की हाजिरी के संबंध में स्पष्ट तौर पर छाप कर मना किया जाता है, मगर इसके बावजूद भी महिलाएं नहीं मानती हैं आला हजरत की अकीदत व मोहब्बत में दूर दराज से चली आती हैं। इसीलिए इस बार महिलाओं और छोटे बच्चों को उर्स में न आने के लिए सख्ती से कहा गया है। हम दरगाह आला हजरत के सज्जादा नसीन मुफ्ती अहसन रजा कादरी द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन करते हैं। मौलाना ने आगे कहा कि दरगाहों पर महिलाओं की हाजिरी के संबंध में आला हजरत ने अपने फतवे में नाजायज लिखा है, इसीलिए आने वाले तमाम जायरीन से गुजारिश करते हैं कि उर्स में शिरकत करने के लिए अपने साथ महिलाओं और बच्चों को ना लाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से असुविधा हो सकती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा कादरी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग में ये तय पाया कि आला हजरत का उर्स जो 21-22-23 सितंबर को मुनक़िद होगा, इसमें खवातीन यानी महिलाएं और बच्चे ना आएं। इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि उर्स में भीड़ भाड़ होगी तो खवातीन और बच्चे आएंगे तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा है कि औरतें मज़ार पर ना जाएं। तो इस फतवे की रोशनी में भी सभी को मना किया गया है, और मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि उर्स रज़वी में आने वाली खवातीन और बच्चे ना आएं, ताकि उर्स के दरमियान कोई गैर इंतज़ामी सूरत हाल पेश न हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है।
पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता: रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।